नमस्कार साथियों, एक विज्ञान अध्यापक होने के नाते आप जब अपनी कक्षा में होते हैं और बच्चों को प्रयोगों में संलग्न करते हैं तो आपको बहुत प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। कई बार कक्षा में प्रयोग करते समय, प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय या एक शिक्षक के रूप में विद्यालय के बाहर भी, एक शिक्षक का ये दायित्व है कि वह विद्यार्थी के प्रति सुरक्षा उपायों का ठीक प्रकार से व्यवस्था करें। आज की परिचर्चा का विषय है विज्ञान में सुरक्षा उपाय कक्षा में और साथ ही कक्षा और विद्यालय के बाहर। देखिए, प्राथमिक स्तर पर सुरक्षा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। सुरक्षा की आवश्यकता तो प्रत्येक स्तर पर होती है, परंतु प्राथमिक स्तर पर इसकी आवश्यकता इसलिए ज़्यादा होती है, इसलिए अधिक होती है क्योंकि इस उम्र में बच्चे छोटे होते हैं। उनको बहुत सारे पदार्थों का, रसायनों का या उपकरणों का ज्ञान नहीं होता। किसी पदार्थ को प्रयोग करते समय, किसी रसायन को प्रयोग करते समय या किसी उपकरण को प्रयोग करते समय जो सावधानियां बरती जानी चाहिए, वे उन सावधानियों से अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें उन सावधानियों का पता नहीं होता। और साथ ही इन कक्षाओं में बच्चों का पहला परिचय हो रहा होता है विज्ञान के प्रयोगों से, विज्ञान की प्रायोगिक अवधारणा से, विज्ञान में प्रयोगों के महत्व से, विज्ञान को समझने के लिए, विज्ञान के तथ्यों, घटनाओं, सिद्धांतों को समझने के लिए प्रयोगों को कैसे प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किए जाते हैं, इनसे पहला परिचय हो रहा होता है। तो वो उपकरण भी पहली बार देखते हैं, वो पदार्थ भी पहली बार देखते हैं, कई बार वो रसायनों से भी पहली बार मिलते हैं। इसलिए इस स्थिति में बच्चों की शिक्षकों पर अधिक निर्भरता होती है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे विज्ञान का प्रयोग करने के लिए अपने शिक्षकों पर अधिक निर्भर होते हैं। इतनी निर्भरता उनकी बड़ी कक्षाओं में नहीं होती। बड़ी कक्षाओं में उनको एक बार शिक्षक ने बता दिया, वे अपने आप प्रयोग कर सकते हैं। वे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं, वे प्रयोगों के स्वरूप बदल कर प्रयोग करते हैं, मात्रा बदल कर प्रयोग करते हैं, परंतु प्राथमिक स्तर पर ऐसा नहीं होता। छठी, सातवीं, आठवीं की कक्षाओं में अधिकांश प्रयोग बच्चे शिक्षक की निर्भरता पर और शिक्षक की देखभाल में ही करते हैं। इसलिए प्राथमिक स्तर पर सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इसी में एक विषय आता है, रचनात्मक विज्ञान सुरक्षा, क्योंकि विज्ञान एक रचनात्मक विषय है। आप विज्ञान में सुरक्षा मानकों का ध्यान कैसे रख सकते हैं? इसके लिए पहली बात आपको कही जाती है कि आप अपने विद्यालय में जो भी प्रयोगशाला बनाए, चाहे वो कक्षा के प्रयोगशाला हो, चाहे किसी कक्ष में, निश्चित कक्ष में स्थापित प्रयोगशाला हो, वहां जो पदार्थ रखे हैं, उन पदार्थों को रखने वाली बोतलों पर नामांकन जरूर होना चाहिए। अर्थात कौन सा पदार्थ किस बोतल में रखा है, ये नाम प्रत्येक बोतल के ऊपर एक लेबल लगाकर स्पष्ट तौर पर लिखना चाहिए। यदि किसी पदार्थ से सुरक्षा ध्यान में रखनी है, कोई पदार्थ ज़्यादा खतरनाक है, किसी पदार्थ से हानि होने की संभावना है, तो उस पर इस प्रकार के खतरे के और सुरक्षात्मक चिन्ह भी चिपकाए जा सकते हैं जिससे बच्चे उनसे दूर रहें। न केवल बोतलों का, बल्कि जो उपकरण प्रयोग होते हैं कक्षा में, उन उपकरणों का भी नामांकन होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि उनको सही उपकरण नहीं पता होगा तो आप उनसे किसी और उपकरण का प्रयोग करने को कहेंगे, वे कोई दूसरा उपकरण प्रयोग करने में लगेंगे, फिर हो सकता है वे उपकरण को गलत तरीके से प्रयोग करने लगें। कुछ उपकरण ऐसे हो सकते हैं जो नुकीले हों, जो तीखे हों, जो धारदार हों, वो चाकू हो सकते हैं, वो कोई निडल हो सकती है। ऐसे उपकरणों को ठीक से कैसे रखा जाए, उनको कवर के अंदर रखा जाए, चमड़े के कवर में रखा जाए, रुई लगाकर रखा जाए, कैसे रखा जाए? तो तीखे और धारदार उपकरणों का सुरक्षात्मक रखरखाव भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और साथ ही विद्यालय में दुर्घटना की स्थिति में कौन से उपकरण हैं जो सुरक्षा उपकरणों की तरह काम में आ सकते हैं, जैसे अग्निशमन की व्यवस्था होनी चाहिए, मिट्टी रेत की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा चश्मे की व्यवस्था होनी चाहिए, मास्क की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जो आपको पहले से करके रखनी चाहिए।
ये व्यवस्थाएं आपको विज्ञान में सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। ये व्यवस्थाएं दुर्घटना की संभावनाओं को कम करती हैं, ठीक है। साथ ही आपको कोई भी प्रदर्शन जो बच्चों के समक्ष करना है, किसी भी प्रयोग का, उसका प्रदर्शन से पहले स्वयं अभ्यास कर ले। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रयोग में आंखों को खतरा हो सकता है, तो आप सुरक्षा चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहीं कोई बच्चा जल जाए, कट जाए, या उसको कुछ खरोंच लग जाए, तो विद्यालय में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। एक शिक्षक होना चाहिए जो ट्रेंड होना चाहिए, जो उसकी सही से देखभाल करे। देखभाल करने के लिए सही एक निश्चित स्थान होना चाहिए, उस स्थान पर उसके बैठने की, लेटने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएँ आपको पहले करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि विज्ञान की प्रयोगशाला में क्या क्या संभावनाएं हैं, इसकी जानकारी माता पिता को अवश्य दे देनी चाहिए। यदि आप बच्चों के माता पिता को इसकी जानकारी दे देंगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फिर वे जानते हैं कि इस प्रयोग में बच्चों से कोई गलती होने पर छोटी मोटी चोट उनको लग सकती है, और वे शिक्षकों के साथ सहयोग का वातावरण निर्मित करने में मदद करते हैं। विज्ञान सुरक्षा के 3 P हैं, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिकॉशन, अर्थात योजना बनाना, तैयारी करना और सावधानी बरतना। व्हाट डू मीन बाय प्लानिंग? योजना बनाने से क्या अर्थ है? योजना बनाने का अर्थ है कि प्रत्येक विज्ञान का अध्यापक जो भी प्रयोग करना चाहता है, उस प्रयोग की ठीक से योजना बनाए कि वो प्रयोग कब करेगा, कैसे करेगा, उस प्रयोग को क्यों किया जाना है, किस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझने में मदद करेगा, कहाँ करना है, वो स्थान कौन सा होगा, और प्रिपरेशन, फिर क्या क्या उपकरण होंगे, किस समय किया जाएगा, कौन से रसायन होंगे, कितनी ऊंचाई पर किया जाएगा, एक बार स्वयं करके देखना, और प्रिकॉशन, नियम से तय कर लीजिए पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कौन सा पदार्थ है जिसको अधिक सुरक्षित रखना है, कौन सा उपकरण है जिसको अधिक सुरक्षित रखना है, सावधानी। यदि एक शिक्षक ठीक से योजना बनाए प्रयोग की, ठीक से तैयारी करे प्रयोग की और सावधानियां बरते, तो निश्चित ही ये विज्ञान सुरक्षात्मक विज्ञान रहेगा। फिर भी विद्यालय में कई प्रकार के खतरे हो सकते हैं। कई बार जो रसायन होते हैं वो जहरीले होते हैं, उनसे कुछ खतरे हो सकते हैं, आग लगने के खतरे हो सकते हैं, बिजली के खतरे हो सकते हैं, और जो उपकरण हैं उनसे कुछ यांत्रिक खतरे भी हो सकते हैं। मैं इनकी संक्षिप्त में चर्चा करता हूँ। जहरीले रसायन कई प्रकार के होते हैं जो प्रयोगशालाओं में होते हैं। हालांकि सभी प्रकार के रसायन उच्च प्राथमिक कक्षाओं में तो नहीं प्रयोग होते, लेकिन और बड़ी कक्षाओं में ज़्यादा प्रयोग होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ रसायन ऐसे हैं जिनसे खतरे हो सकते हैं, जैसे पारे की बाष्प, जो मरकरी होता है उसकी जो बाष्प होती है, वो अगर कहीं चली जाए सांस के साथ, तो एक तरह से जहर का काम करती है, आपके टिश्यूज़ को, ऊतकों को नुकसान पहुँचा सकती है। ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन जैसी गैसें, यदि ये गैस के रूप में सांस के साथ चली जाएं या आँख में लग जाएं, तो त्वचा में जलन हो सकती है, आँख में जलन हो सकती है, श्वसन तंत्र को नुकसान हो सकता है, और अगर लिक्विड ब्रोमीन है वो आग भी पकड़ सकती है। इसी तरह से फिनाइल एनिलीन है, एमीन है, ये बहुत जल्दी त्वचा इनको अवशोषित कर लेती है और इनका तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिनॉल भी इसी श्रेणी में आता है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड यदि गलती से सूंघ लिया जाए, तो एक तो ये पहचाना नहीं जा सकता गंध से, और दूसरा ये घ्राण अंगों को, अर्थात आपके जो सूंघने के अंग हैं उनको निष्क्रिय कर देता है। अमोनिया, अमोनिया गैस का प्रभाव आपके श्लेष्म झिल्ली पर पड़ता है, आँख पर पड़ता है, नाक पर पड़ता है, और एस्बेस्टास जो है वो फेफड़ों की तंतुमयता को नुकसान पहुँचाता है। तो इस प्रकार के जो भी रसायन, ये तो कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, आप देख लीजिए आपकी प्रयोगशाला में कौन कौन से रसायन आप प्रयोग कर रहे हैं, कौन से अम्ल प्रयोग कर रहे हैं, कौन से अकार्बनिक रसायन प्रयोग कर रहे हैं, कौन से अकार्बनिक रसायन प्रयोग कर रहे हैं, उनसे संभावित खतरे क्या हैं।
और एक चार्ट बना लीजिए, रसायन का प्रकार, संभावित खतरा, सुरक्षा का उपाय, और उस चार्ट को अपनी प्रयोगशाला में बड़ा बड़ा उस अलमारी के बाहर लगा दीजिए, ताकि बच्चे उससे थोड़ा बचकर रहें और सुरक्षित रहें। आग लगने के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कुछ रसायन ऐसे होते हैं जिनकी जब वाष्प उठती है तो वाष्प से ज्वलनशीलता हो सकती है, वाष्प अगर लग जाए शरीर में कहीं तो शरीर में जलन होने लगती है। या कई बार आप भौतिक विज्ञान में कुछ प्रयोग कर रहे हैं, रसायन विज्ञान में कुछ प्रयोग कर रहे हैं, आपने कोई प्रयोग के लिए किसी उपकरण को बुनसन बर्नर पर रखा और जब वो गर्म गर्म उपकरण प्रयोग होने के बाद आपने वैसे ही उसको भंडारित कर दिया, वैसे ही रख दिया, वो गर्म उपकरण जिस चीज़ के ऊपर रखा वो चीज़ में आग लग सकती है, कागज़ में आग लग सकती है, कपड़े में आग लग सकती है। ऐसे पदार्थ जो ज्वलनशील पदार्थ हैं जैसे सोडियम, आपको पता है सोडियम यदि मिट्टी के तेल से बाहर निकाल कर सूखा हवा में रखा जाएगा तो हवा में जो नमी है उस नमी के प्रभाव संपर्क में आते ही सोडियम में आग लग जाती है। तो हमको ध्यान रखना है कि सोडियम सदैव हमको मिट्टी के तेल के अंदर ही रखना है, उसको बाहर नहीं निकालना है, निकालना है तो उसको सीधे परख नली में ही डालना है। बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं अनियंत्रित हो जाती हैं जिनसे आग लग जाती है, तो इसलिए आपको क्या करना है, विद्यार्थियों को बताना है कि जब भी वो रासायनिक प्रयोग करें रसायन की बहुत थोड़ी मात्रा प्रयोग करें, कि थोड़ी मात्रा में दुर्घटना होने की संभावना भी थोड़ी होती है। कई बार आग का खतरा इसलिए होता है कि बच्चों के लंबे बाल या ढीले कपड़े वो आग के संपर्क में आ जाते हैं, तो हमें बच्चों को ये सिखाना होता है कि वो अपने कपड़ों से दूर रहकर प्रयोग करें, बालों को आग के संपर्क में ना आने दें। विद्यालय में एक और बहुत महत्वपूर्ण खतरा होता है जो कई बार बच्चों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है, वो है बिजली के खतरे। जैसे बिजली के स्विच का सही ऊंचाई पर होना चाहिए, अर्थात बच्चों की जो ऊंचाई है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। यदि बिजली का स्विच बहुत नीचे है तो प्रत्येक बच्चा उस तक अपनी पहुंच रख सकता है। स्विच ठीक प्रकार काम कर रहा होना चाहिए, स्विच ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें से तार दिख रहे हैं, उसमें किसी की उंगली जा सकती है, वो ठीक प्रकार से होना चाहिए, वो खुला नहीं होना चाहिए। जितने भी ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत से चलते हैं उनमें ऑन और ऑफ स्थिति में लाइट का होना जरूरी है, अर्थात जब वो ऑन होगी तो उसमें लाइट जलेगी, जब ऑफ होगी तो लाइट नहीं जलेगी, या कब ग्रीन लाइट जलेगी कब रेड लाइट जलेगी, तो लाइट का होना आवश्यक है। और उपकरणों को बच्चों को सिखाना चाहिए कि सदैव केवल स्विच से ही ऑन ऑफ करें, ऐसा नहीं कि उपकरण का काम खत्म हुआ उन्होंने उसका तार खींच दिया, कई बार वो तार टकराने से आग लग सकती है, करंट लग सकता है। विद्युत परिपथ संबंधी उपकरण करते समय जब हम तार जोड़ते हैं तो तारों के सिरे तो खुले होने चाहिए, पूरा तार खुला नहीं होना चाहिए, उस पर ठीक कोटिंग होनी चाहिए, इससे करंट नहीं हो। तो इस प्रकार से हम बिजली के खतरों से बच्चों को बचा सकते हैं। अगले खतरे जो हैं उनको हम कहते हैं यांत्रिक खतरे। यांत्रिक खतरे किससे हो सकते हैं, ऐसे उपकरण जो बहुत तेजी से चलते हैं, जैसे कोई घिरनी है वो तेजी से चलती है, किसी में कोई पैडल लगा है वो बहुत तेजी से घूमता है, यदि वो अनियंत्रित होकर घूमेगा तो निकलकर किसी को भी लग सकता है, उसे चोट लग सकती है। या कई जगह विद्यालयों में गैस होती है, गैस सिलेंडर होते हैं, गैस सिलेंडर का बल्ब खुला रह जाए वो भी एक खतरा है। उपकरण सही तल पर ना रखा हो, उपकरण किसी ऊंची नीची जगह पर रखा हो और अचानक से उसके आगे की रुकावट हटे और वो फिसल कर सामने आ जाए। सतह का चिकना होना भी कई बार यांत्रिक खतरों को आमंत्रण देता है, इसलिए जो प्रचालन है यंत्रों का एक जगह से दूसरी जगह उसमें यंत्रों में अवरोधी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि यंत्रों में अवरोधी व्यवस्था नहीं है और किसी ने यंत्र को छोड़ दिया तो यंत्र निरंतर चलता चला जाएगा और उससे दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में आपको करना क्या है, आपको अपने विद्यार्थियों को शिक्षार्थियों को कुछ निर्देश देने, कुछ अनुदेश देने। पहला अनुदेश, केवल शिक्षक की उपस्थिति में ही प्रयोग करें। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे छोटे होते हैं, वे कई उपकरणों के विषय में नहीं जानते, कई रसायनों के विषय में नहीं जानते, संभावित दुर्घटनाओं के विषय में नहीं जानते। तो शिक्षार्थियों को ये अनुदेश देना चाहिए कि वे जब भी प्रयोग करें अपने विज्ञान के शिक्षक अर्थात आपकी उपस्थिति में ही वो प्रयोग करें। दूसरी चीज, यदि कहीं कुछ गिर जाए, कुछ जल जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, उसकी सूचना तुरंत शिक्षक को दें। आपको विद्यार्थियों को यह अनुदेश देना होगा।
साथ ही चूंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको कोई चिकना लग सकता है, कोई रसायन लाल लग सकता है, कोई रसायन लसलसा लग सकता है, कोई रसायन से अच्छी खुशबू आ सकती है। खुशबू तक तो ठीक है, यदि वो खुशबू संबंधित उससे कोई नुकसान नहीं है, तो आप प्रत्येक स्थिति में बच्चों को ये बताएं, अपने विद्यार्थियों को ये बताएं कि वे प्रयोगशाला के किसी भी रसायन का स्वाद ना लें, उसको अपनी जीभ के संपर्क में ना लें, क्योंकि वो जहरीले हो सकते हैं, उसे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है, कोई रक्त प्रसंचरण तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इन सब से बचने के लिए बच्चों को ये सिखाना होगा कि वे किसी भी रसायन का स्वाद कभी नहीं लें। साथ ही वे जो भी रसायन प्रयोग करें, यदि वे प्रयोग किसी रसायन से संबंधित कर रहे हैं, तो उसको हमेशा अपने शरीर से दूर रखें। उनको ठीक दूरी समझाई जाए कि प्रयोगशाला की मेज से शरीर की दूरी कितनी होनी चाहिए, उपकरणों की शरीर से दूरी कितनी होनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा, खासतौर पर रसायन से संबंधित प्रयोग करते समय बच्चों को यह भी सिखाना आवश्यक है कि वे अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करें, किसी भी पदार्थ का प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं करें। और साथ ही उनको जो प्रयोग करने हैं, जो प्रयोग बताए जा रहे हैं, जो प्रयोग उनके विषय से संबंधित हैं, वे ही प्रयोग करें। यदि उनके मन में कोई अन्य विचार आ रहा है कि वो कुछ अतिरिक्त प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहले शिक्षक से उसकी चर्चा करें। शिक्षक यदि इस प्रकार के प्रयोग की अनुमति दे, तभी वे प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश हैं जो आपको विद्यार्थियों को देने चाहिए। साथ ही ये तो प्रयोगशाला से संबंधित सुरक्षा की बात हुई, विद्यालय से संबंधित सुरक्षा के भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। ये सुरक्षा विद्यालय में हो सकती है, सुरक्षा विद्यालय के बाहर भी हो सकती है। जैसे आपातकालीन सूचनाओं को साझा करना, कहीं कोई आपदा आ गई है, कोई रास्ता बंद हो गया है, कहीं बाढ़ आ गई है, इस प्रकार की सूचनाएं विद्यालय को माता पिता और विद्यार्थियों से साझा करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, बच्चों को सदैव ये सिखाएं कि वे अपने विद्यालय आने जाने का मार्ग निश्चित रखें और वैकल्पिक मार्ग भी खोज लें, ताकि यदि कभी आने जाने के मार्ग में कोई असुविधा हो, कोई दुर्घटना हो जाए, तो वे वैकल्पिक मार्ग से ठीक प्रकार पहुंच जाएं। प्रत्येक विद्यालय की अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है। आग लगने की स्थिति में किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, भूकंप आने की स्थिति में किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, तो विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, विद्यालय में निकास कैसे हैं, विद्यालय में आकस्मिक निकासों की व्यवस्था कैसी है, इन सब की चर्चा भी और इन सब की जानकारी भी बच्चों को प्रत्येक विद्यालय को देनी चाहिए। और विद्यालय को समय समय पर इस प्रकार के सुरक्षात्मक अभ्यास अपने विद्यालय में आयोजित करने चाहिए, जहाँ भी आग लगने के समय, भूकंप आने के समय, बाढ़ आने के समय, या कोई भी अचानक से जो दुर्घटनाएं खासतौर पर घटती हैं, उन अचानक दुर्घटनाओं के घटने के समय कैसे सुरक्षित बच्चे बाहर निकल सकते हैं। और सुरक्षा पर बच्चों से निरंतर बात करनी चाहिए। मेरा मानना है, बच्चों से जितनी आप चर्चा करेंगे सुरक्षा के विभिन्न उपायों पर, उनके विचार लीजिए, उनसे चर्चा कीजिए, उनसे बात कीजिए, रास्ते में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, भूकंप आने पर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, आग लगने पर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, प्रयोगशाला में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, खेल के मैदान में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर बच्चों से आपको चर्चा करनी चाहिए। और अध्यापकों को बच्चों के साथ सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों में निरंतर सम्मिलित होना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे, तो निश्चित ही आप विद्यालय को एक सुरक्षित परिवेश, विद्यालय में एक सुरक्षित परिवेश अपने विद्यार्थियों को दे पाएंगे। अंत में मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप अपने विद्यालय में एक प्राथमिक सुरक्षा किट जरूर बनाएं, जो फर्स्ट एड बॉक्स जिसे कहते हैं, वो निश्चित तौर पर बनाएं। उसमें यदि बहुत सारी चीज़ें ना भी हों, तब भी कम से कम 2 इंच और 4 इंच चौड़ाई की कुछ पट्टियाँ होनी चाहिए, कॉटन रुई होनी चाहिए, कुछ बैंडेड होने चाहिए, सफ़ेद टेप जो चोट लगने पर रुई रखकर उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं वो होने चाहिए। आप बेटाडीन लोशन और ऑइंटमेंट रख सकते हैं। बेटाडीन लोशन जो है वो चोट लगने पर, खरोंच लगने पर बच्चों को लगा दिया जाता है, लोशन भी आता है और ऑइंटमेंट भी आता है, दोनों चीज़ें रखी जा सकती हैं। पैरासीटामोल का सिरप और टेबलेट होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को बुखार की समस्या हो जाती है।
और बुखार वायरल हो या किसी भी प्रकार का हो, जो पहली दवा है वो पैरासीटामोल ही दी जाती है। तो पैरासीटामोल का सिरप छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए टैबलेट कुछ आपके होनी चाहिए। कुछ दर्द जैसी कॉम्बिफ्लेम जैसी कोई दवा भी आपके पास होनी चाहिए जो अत्यधिक दर्द की स्थिति में प्रयोग हो जाए। यदि बच्चा अचानक जल जाए, खासतौर पर आग से जल जाने पर, सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम माना जाता है, ऐसे क्रीम जिनमें सिल्वर सल्फाडाइजिन होता है वो लाभ पहुँचाते हैं, तो ऐसी ठंडक पहुँचाने वाले क्रीम होनी चाहिए, बर्फ़ की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप स्थानीय चिकित्सक से परामर्श लीजिए, जो भी आपके विद्यालय का या विद्यालय के पास स्थानीय चिकित्सक है, या किसी बच्चे के माता पिता हो सकते हैं जो चिकित्सक हों, उनसे सलाह लीजिए और उनसे सलाह लेकर, परामर्श लेकर के एक प्राथमिक सुरक्षा किट की अपने विद्यालय में व्यवस्था करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल किसी दुर्घटना की स्थिति में बच्चे को प्राथमिक सुरक्षा दी जा सके। मुझे लगता है कि जब हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा में बहुत सारे आयाम हैं। सुरक्षा के हमें विभिन्न आयामों को एक साथ देखना चाहिए, वह चाहे प्रयोगशाला में सुरक्षा हो, चाहे कक्षा में सुरक्षा हो, चाहे खेल के मैदान में सुरक्षा हो, चाहे विद्यालय परिवेश में सुरक्षा हो, या विद्यालय के बाहर सुरक्षा हो। आज हमने जो चर्चा की उसमें हमने मूलतः चर्चा की विभिन्न रसायनों की, जिनसे कुछ खतरे हो सकते हैं, उपकरणों के रखरखाव की, उन्हें कैसे रखना चाहिए, साथ ही बच्चों को कौन से अनुदेश देने चाहिए, प्रयोग कब कराए जाने चाहिए, पदार्थों की कितनी मात्रा प्रयोग होनी चाहिए, और प्राथमिक सुरक्षा किट कैसी होनी चाहिए, विद्यालय में सुरक्षा का निकास और उसकी जानकारी विद्यार्थियों को होनी चाहिए, विद्यालय में सुरक्षा के अभ्यास किए जाने चाहिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यदि आप एक सुरक्षा पर काम करेंगे, विद्यालय में सुरक्षा का वातावरण विकसित करेंगे, तो बच्चे न केवल विज्ञान प्रयोगशाला में बल्कि पूरी तरह से विद्यालय में भी सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों ने मेरी इस चर्चा को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।